नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज ने पौधरोपण किया। वहीं मंत्री कृष्णपाल गुज्जर ने कहा, देश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए देश के हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही बांसुरी स्वराज ने कार्यक्रम में लोगों को संदेश दिया कि पर्यावरण के साथ किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। वहीं कार्यक्रम को एनडीएमसी के पूर्व सदस्य बीएस भाटी ने संबोधित किया। इस दौरान जेपी शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश, हरिशंकर गौतम, अजय कुमार नई दिल्ली आयोजक पर्यावरण, देवेंद्र बेसोया नई दिल्ली जिला उपाध्यक्ष मौजूद रहे। अजय जी, जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए क्या करना? देखिए, वर्तमान परिस्थितियाँ जिस हिसाब से बन रही हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अन्य पर्यावरण से असंतुलन हो रहा है, उसको लेकर यदि हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय बहुत संकट का है, बहुत विषम परिस्थितियाँ होंगी। तो पर्यावरण दिवस पर यही है कि एक ये संकेत है, एक दिन नहीं मनाना है इसको, इसको हमें जीवन में अपनाना है, जीवन में धारण करना है कि पर्यावरण की रक्षा भी करनी है और जो नुकसान हो गया है हमारे द्वारा उसकी पूर्ति भी करनी है। तो पौधरोपण और वृक्षारोपण ये निरंतर हमारे जीवन का क्रम हो जाना चाहिए। और मैं जिस प्रदेश से आता हूँ उस प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं संकेत के रूप में। वो सभी कार्यकर्ताओं को वो ये प्रेरणा देते हैं कि आप भी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह नियम से पौधा लगाएं। तो ये नियम जब हम बनाएंगे तब शायद इस प्राकृतिक संकट को टाल सकें, वो प्रकृति की से इस संकट से लड़ सकें। देखिए, आज पर्यावरण दिवस है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा पर्यावरण साफ और शुद्ध हो, ये उनकी प्राथमिकता है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है कि हर किसी को आज एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज एक पेड़ माँ के नाम लगा रहा है और इससे मैं समझता हूँ पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। जो दूषित पर्यावरण है उसमें मुक्ति मिलेगी उससे, और हरा भरा होगा, वायु प्रदूषण कम होगा और वातावरण भी शुद्ध होगा। नेताजी, देखा गया दिल्ली की सातों सीटें आप लोगों ने जीती है, इसके लिए क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार के प्रति लोगों का भरोसा है जो लगातार कायम है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती मिली है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गरीब कल्याण का बहुत बड़ा काम इस देश में इन 10 सालों में हुआ है, इसलिए भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और तीसरी बार नेहरू जी के बाद कोई व्यक्ति है जो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। क्या लगता है आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसको बैठक को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में दो गठबंधन थे, एक इंडी ठगबंधन था और एक एनडीए गठबंधन था। दोनों के बीच मुकाबला था, एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत देश के लोगों ने दे दिया है, इसलिए पूर्ण बहुमत आज एनडीए के पास है और एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी है, इसलिए तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने से कोई उसको रोक नहीं सकता। दिल्ली में देखा गया आपने बहुत बड़ी जीत हासिल करके, अरविंद केजरीवाल 20 दिन के लिए प्रचार करने भी आए, फिर भी उनको एक वोट भी नहीं पड़ पाया। देखिए, उसके बारे में पता है, उसकी कथनियों करनी में बहुत अंतर है, वो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है। इसलिए लोगों ने दोनों मिलके भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए दिल्ली में। इससे मतलब है कि मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली के लोग और देश के लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे जो भारतीय जनता? देखिए, असली बधाई तो दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता को है, वही भारतीय जनता पार्टी की असली पूंजी है और उसी पूंजी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी सातों सीटें जीती है। इसलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में समर्थन व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, दिल्ली की सातों सीट जीते हमने। लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 3 जीतेगी 4 जीतेगी, बिग मार्जिन से जीते हैं, वो दोनों मिल गए, 4 मिल गए 6 मिल गए, हम सारी की सारी सीटें बड़े मार्जिन से जीते हैं। ये विश्वास दिल्ली की जनता ने जो जताया है और इसका
अभी जो फल मिलेगा 2025 के अंदर, 2020 से 2024 का जो कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का, और खुल गई है, लिफाफा फट गया है, कह रहे थे मुझे अंदर डाल दिया गया है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक्सपोज करा दिया। अंदर बैठे रहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बाहर आके प्रचार कर लिया, कई जगह घूम लिए, मोदी जी को गाली दे दी। कितनी सीटें आई दिल्ली में? 0। पंजाब में मुझे पता नहीं खाता खुला या नहीं खुला। क्या लगता है जो आपने एजेंडा रखा था 100 दिन का, उस एजेंडे में क्या क्या काम आप करेंगे? 100 दिन का एजेंडा हमारा है, उसमें काम करेंगे। काम जो है शपथ लेने का प्रारंभ कर दिए जाएंगे और जो 100 दिन के काम है वो नजर आएंगे। क्या जनता के बीच में किस तरह से जो समस्या रहेगी उनको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे आप? जनता की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इतना मुझे काम करना भी आता है, काम करवाना भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो लगता है जो 400 आंकड़े जो पार करने की बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी, उससे थोड़ा पीछे हटते भी दिखेंगे इसको? देखिए जनता का फैसला होता है, हमारे तय करने से कुछ नहीं होता। हर आदमी वो भी लड़े थे, वो भी ये तय कर रहे थे कि हम सब विपक्षी पार्टियां कि हम जीतने के बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे। हाँ तय कर लिया उन्होंने, पार्टी ने एक टारगेट रखा था, लोगों की भावनाएं थी, उस जनादेश को जो मिला उसको स्वीकार किया प्रधानमंत्री जी ने। क्या लगता है दिल्ली में 700 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है और तमाम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण के जो एक दिवस बनाया गया है, और सीधे ही चलते हुए बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पर्यावरण दिवस था और देखेगा मंत्री जी ने भी एक पौधा लगाया और बांसुरी स्वराज ने भी पौधा लगाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे विश्व में 5 जून को पूरा विश्व विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय जो मजदूर संघ है, हमने हमारे जो ठेंगड़ी जी थे परम श्रद्धे, उन्होंने पर्यावरण मंच की स्थापना की थी सबसे पहले, और हम जो है इसको अपनी संस्कृति के मुताबिक 28 अगस्त को मनाते हैं, जिसमें अमृता बिश्नोई जो देवी थी उन्होंने बलिदान किया था 2100 महिलाओं के साथ में, तो इसलिए हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप इसको मनाते हैं। लेकिन पूरा विश्व जो 5 जून को मनाता है, इसलिए हम 5 जून से लेकर 28 जून तक पर्यावरण दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं और पूरे देश के अंदर हरियाली कैसे कायम रहे इस पर काम करते हैं, जिससे कि लोगों को शुद्ध वायु मिले। क्या दिल्ली में सभी जगह जाके लगाएंगे आप लोग? दिल्ली में नहीं, हम पूरे देश में लगा रहे हैं भाई। पूरे देश में हमारा संगठन है, भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में काम कर रही है, पूरे देश में कार्यकर्ता हैं, पूरे 29 स्टेटों में एक संयोजक होता है, उस संयोजक पूरे जिलों में एक एक संयोजक तय करता है। हमारे नई दिल्ली के भी संयोजक अजय जी खड़े मेरे साथ में, तो इसलिए हम इसको पूरे उसमें बांट रखा है और पूरे देश में हम इसका काम करते हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज ये पौधा दिवस दिखाया गया पर्यावरण दिवस? सबसे पहले तो मैं भाटी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि भाटी जी हमारे दिल्ली के संयोजक हैं और भाटी जी ये कार्य कर रहे हैं, और यही नहीं कर रहे, भाटी जी की जो टीम है पूरे देश के अंदर ये कार्य कर रही है, भारतीय मजदूर संघ, और ये हमारे संगठन के तरीके से जो पर्यावरण दिवस के रूप में हम आपको सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद। ये कहते हैं पर्यावरण दिवस जो सब जगह मनाया जाएगा, कहीं ना कहीं जो लगता है कहीं ना कहीं करता है क्या उसको लेकर, कहीं ना कहीं जो चीज है। कैमरा अंकित के साथ दीपक कुमार, दिल्ली। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।